नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर 9। परासर शहर से 25 किलोमीटर दूर घने जंगल में और पेंच नदी के समीप मां देवरानी दाई का प्राचीन मंदिर स्थित है। इस क्षेत्र में आदिवासी बहुल लोग निवास करते हैं और हर साल यहां 9 दिवसीय मेला भी लगता है। इस मेले में छिंदवाड़ा जिले के अलावा समीप के जिले के लोग मां देवरानी दाई के दर्शन करने आते हैं। मंदिर के समीप पेंच नदी बहती है और नदी में एक कुंड है। कुंड के विषय में भी कई कहानियां प्रचलित है। मंदिर पूजा के बाद कुंड की भी पूजा की जाती है। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया के द्वारा 1.5 किलोमीटर सीसी रोड एवं रेस्ट हाउस का निर्माण करवाया गया। दर्शन करने के यहाँ पर आए हैं और मां का पूरा विश्वास है इस बार विधानसभा के चुनाव जो 11 तारीख को परिणाम आने जा रहे हैं उसमें देवरानीदाई कृपा से मुझे जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय से मिलेगी और मैं क्षेत्रवासियों को निवेदन करना चाहता हूँ, आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 11 तारीख के बाद हमें काम करने का अवसर मां की कृपा से मिलेगा। हम इस क्षेत्र का समुचित विकास करेंगे ताकि ये स्थल धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटन के रूप में विकसित हो, ताकि लोगों को रोजगार की संभावना यहाँ पर बढ़े। और हमारा ये भी प्रयास होगा कि यहाँ पर हम प्रतिदिन छिंदवाड़ा से देवरानीदाई की बस सर्विस शुरू कराएं, जिससे परासिया के आसपास छिंदवाड़ा जिले मुख्यालय से भी लोग यहाँ प्रतिदिन आएँ, ताकि छिंदवाड़ा से परासिया के मार्ग से परारा होते हुए जब देवरानीदाई लोग आएंगे तो जितने भी गाँव पड़ते उन गाँव का विकास होगा और वहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। देवरानीदाई की माँ के इस आस्था के केंद्र में जब से सड़क मार्ग बन गया है, सुरक्षा यहाँ पर हो गई है, उसका प्रयास संख्या लोग आ रहे हैं। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, हम लाइट की व्यवस्था में यहाँ कराएंगे और भी जो यहाँ पर आवश्यक व्यवस्थाएं की करने की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पर हम करेंगे। आप सभी को देवरानीदाई मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत छिंदवाड़ा से नरेंद्र साहू की रिपोर्ट। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।